खूबसूरत पहाड़ देखी, मानो अपने आप से बातें करते हो। इन पहाड़ों से बात करके देखिए, इन पेड़ों के साथ मुस्कुराकर देखिए, जरा देख सकते हैं सूर्य इन्हें चूमता है बार बार। देखिए बर्फ, दूर पहाड़ों पर जमी बर्फ, इन पर सूरज अपनी किरणों के रथ पर सवार होकर इन्हें छूता है बार बार, इन्हें पिघलाता है और पिघल कर ये नदियों का रूप धारण कर लेती है। नदियाँ पहुँच जाती हैं मैदानी इलाकों में मानव की प्यास बुझाने के लिए। जल ना हो, सोचिए, कहते हैं कि अगला विश्व युद्ध जल के लिए होगा। इस बर्फ को आप सांसें मान सकते हैं, पहाड़ों की सांसें जो बर्फ के रूप में जम जाती है और उसके बाद बहती है मौसम के साथ। ये हवा देखिए, ये खूबसूरत फूल, इनकी नरमाहट, यही तो इंसानियत है कि हम इन फूलों की तरह मुस्कुराएं जब तक खिले हैं। धन्यवाद दोस्तों, इन खूबसूरत प्राकृतिक नजारों के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगी मशोबरा शिमला। शिमला से 22 किलोमीटर ऊंचाई पर बसा है ये हिल स्टेशन। देखिए खूबसूरती देखिए इसकी। सुबह का समय है और आप देख सकते हैं जो खूबसूरत पहाड़, जाने सदियों से किसका इंतजार कर रहे हैं। और ये पक्षी, ये चिड़ियों का चहकना, कौओं का उड़ना भी यहाँ है। बर्फ बर्फ ही बर्फ यहाँ ऊंचाई पर गिरी हुई है, लेकिन यहाँ मशोबरा में अभी बर्फ नहीं है। तो आप खूबसूरती देखिए, प्रकृति नेचर जिसे जीवन कहते हैं, आप देख सकते हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़, जाने बादलों को कैसे बुलाते हैं देखिए। और जो सूरज है इन पर प्यार बरसाता है, अपना अपनी नरमाहट गर्माहट इन पर बरसाकर इनमें जिंदगी की रवानगी को आगे करता है। आप देख सकते हैं पेड़ों पर नन्नी नन्नी चिड़ियां। ये प्रकृति देखिए, दूर बादल देखिए, पहाड़ों के पीछे जाने कितनी सदियों से लम्हात, ये घड़ियां यूं के त्यूं मौजूद हैं। ये अनवरत यात्रा कभी खत्म नहीं होने वाली, ईश्वर का बेशुमार ये खजाना, ये कुदरत ने जो हमें सौंपा है, हम इसके संरक्षण करने के लिए हमें तत्पर होना चाहिए। जब ये नर्म 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 बर्फ पड़ती है इन पहाड़ों पर, उसके बाद यही जल सूरज इन्हें पिघलाकर जल में परिवर्तित कर देता है। और जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। तो दोस्तों, इस प्रकृति को हमें बचाना है, हमें जल को बचाना है, हमें चिड़ियों को बचाना है। देखिए देखिए दोस्तों, ये चिड़ियां कितनी कितनी उन्मुक्त और कितनी बेफिक्र होकर उड़ रही हैं। देखिए आप, इन्हें नुकसान ना पहुंचाया जाए, लेकिन मानव अपने स्वार्थ के आगे किसी को कुछ भी नहीं समझता और इन्हें रौंदने पर लगा है, जिसका खामियाजा इसे समय समय पर भुगतना पड़ता है। प्रकृति बदला लेती है दोस्तों, तो आइए हम शपथ लें इनके संरक्षण के लिए। हम जहां भी रहते हैं,
इन्हें हमारा प्यार चाहिए, हमारा पालन पोषण, इनको बहुत जरूरत है हमारे पालन पोषण की। प्रकृति की हर, प्रकृति के जितने भी उपादान हैं, हमें उस सब की रक्षा करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं विदा लेती हूँ मशोबरा शिमला से, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।